नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद रविवार को पहली बार योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात पीएम मोदी के आवास पर हुई। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ को जीत की बधाई दी। योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को अपने शपथ ग्रहण में भी आने का न्योता दिया। बताया जा रहा है कि उनके बीच नई सरकार के गठन को लेकर भी चर्चा हुई है। पीएम से मिलने से पहले ही दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी शिष्टाचार भेंट की। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के 2 दिन तक दिल्ली में ठहरने की संभावना है। आपको बता दें, 37 साल बाद यूपी में किसी सीएम की अगुवाई में दोबारा सरकार लौटी है। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत 11 मंत्रियों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी योगी सरकार के नए मंत्रिमंडल में जातीय क्षेत्रीय समीकरणों के बीच संतुलन बैठाना चाहती है। आपको बता दें, बीजेपी को राज्य की 403 विधानसभा सीटों में हुए चुनावों में 255 सीट हासिल हुई और उसके 2 सहयोगी दल ने 18 सीटें जीती हैं। 2003 के बाद योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री होंगे जो विधानसभा के सदस्य होंगे। बीजेपी के 10 नेताओं ने 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। इनमें योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। आपको बता दें, बीजेपी में उप मुख्यमंत्री पद के लिए ब्राह्मण चेहरा ब्रजेश पाठक, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कुर्मी नेता स्वतंत्र देव सिंह और आगरा से चुनाव जीती जाटव समाज की बेबी रानी मौर्य का नाम भी उछल रहा है। हालांकि संभावना तो ये भी है कि चुनाव हारने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वो पार्टी में ओबीसी का बड़ा चेहरा है। पार्टी मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को भी शामिल कर सकती है। नोएडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह का नाम भी मंत्री पद के दावेदारों में बताया जा रहा है। आपको बता दें, पंकज सिंह ने 1,81,000 से ज्यादा वोटों से नोएडा में जीत दर्ज की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।